सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। ग्लैमरस प्रोडक्शन के तत्वाधान में विगत दिनों हुए मिस्टर एंड मिस एंड मिसेस सम्मान समारोह के विजेताओं का एक सम्मान समारोह रखा गया, जिस विजेता प्रतिभागियों ने अपने संघर्ष एवं अंत में विजेता होने के बाद का अनुभव साझा किया। ग्लैमरस प्रोडक्शन के फाउंडर शहबाज खान उमंग श्रीवास्तव साझा रूप से बताया कि ग्लैमर प्रोडक्शन का उद्देश्य युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सबके सामने लाना है। बुक किया, उनको बुलाया बनारस में, तो हम लोग का प्रोडक्शन भी बहुत नाम हुआ और यूथ हम लोग से जितना ज़्यादा यूथ हो सकता है उन लोगों ने हम लोग से ज्वाइन हुए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ। शबन भाई, अगर बात की जाए तो अभी भी कुछ रूरल एरियाज से ऐसे लोग आते हैं जो कि मॉडलिंग वगैरह को एक ग्लैमरस रूप में देखते हैं या चकाचौंध भरी ज़िंदगी के रूप में देखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखा, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम उमंग श्रीवास्तव है एंड मैं सीईओ हूँ ग्लैमर प्रोडक्शन का। जी सर, काफ़ी वेल मैनेज चीज़ें थी, टीम अपनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा वर्क किया टीम ने हमारे, एंड दिक्कतें बस थोड़ा बहुत यही आई कि थोड़ा क्राउड का परेशानी हमें झेलना पड़ा, और इतने बड़े सेलिब्रिटी है तो जाहिर सी बात है क्राउड की परेशानी, तो उसके लिए हम लोग रेडी थे और बाकी सारी चीज़ें वेल मैनेज चली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को। उमंग जी, अगर बात की जाए तो अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जिनके पास के टैलेंट है, वो देखने में भी गुड लुकिंग से है, बट उनको प्लेटफॉर्म सब नहीं मिलता है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसी चीज़ के लिए तो हम लोगों ने अपने ग्लैमरस प्रोडक्शन को लॉन्च किया है 2020 में, ऐसे ही टैलेंट प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि जो कई अलग अलग सिटीज़ के युवा हैं एंड छोटे छोटे शहरों से आते हैं, कुछ लोग गाँव से आते हैं, तो उन लोगों को सारी चीज़ों का हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उन लोगों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले, वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ अपने देश के सामने, अपने इंडिया के सामने, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ही ये शोज को लॉन्च किया है और आगे भी हमारे बहुत सारे शोज आते रहेंगे जहाँ पे सारे युवाओं को मौका मिलेगा। उसी का और बात है ग्लैमर प्रोडक्शन का, तो उन्होंने मुझे ये विनर जो प्राइज़ दिया है और प्लेटफॉर्म भी बहुत सारा दिया है। अभी टी शर्ट की एक ब्रांडिंग करनी है, माई मास्टर लेवल में ब्रांडिंग करनी है और भी आगे बहुत सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया इन्होंने ग्लैमर प्रोडक्शन को, मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात की जाए अभिषेक जी, तो अवार्ड के पहले और अवार्ड के बाद क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए, पर्सनल एटीट्यूड आप अपना बताइएगा। और कैन यू फील विनर के पहले तो मैं एक मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक ऐसे नॉर्मल सा रहते हैं कि हाँ मेहनत करना है, आगे जाना है, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। फिर अगर विनर बनने के बाद एक अलग से कॉन्फिडेंस अंदर से आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ, बस आगे मेहनत करना है और इसी तरह निरंतर विजेता बनते रहना है। थैंक यू।